जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट यहाँ पर गाइज आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरते समय। तो जिस स्टेप के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन आपको वहीं पर इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एंड फिर उसके बाद में जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां पर सभी जानकारी चेक करने के बाद आएंगे और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पेसिफिकली फोटो और सिग्नेचर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने अच्छे से आपको बताया कि कैसे आपको आपका फोटो बनाना है जिससे कि उसका बैकग्राउंड व्हाइट रहे और वो अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम भी ना करे, तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं शुरू से फॉर्म को अप्लाई करने की, इसलिए आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आप यहां पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहां पर भी आपको यही नोटिस दिया कि अगर आपने रिसेंट में जो फॉर्म आया था आरपीएफ का, एसआई कांस्टेबल का, या फिर जो आपके टेक्नीशियन के फॉर्म आए थे या एएलपी के फॉर्म आए थे या फिर पैरामेडिकल स्टाफ के फॉर्म आए थे वो आपने भरा तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पुराने वाले से ही लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। पर आप तो फ्रेशर है इसलिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप यहां से ओके कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहां पर डालना है, उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहां से आपका जो भी मंथ है वो और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहां पर डालना है। इसी को अथॉरिटी बतानी है कि कौन से अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहां से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहां पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहां पर डाल देंगे, एंड देन आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहां सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहां पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहां पर डालता हूं और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर CN05/2024 देखने को मिलेगा। टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज बेसिकली ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। अभी आपको यहां पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करना है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। आप सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा अगर आप आरआरबी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक में ही अप्लाई कीजिएगा। आप यहां पर आपका आरआरबी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहां पर टिक करें और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अभी यहां पर जैसे कि मैंने इसमें इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है तो मेरी वहीं से इंफॉर्मेशन फैच कर ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन शुरू से भरनी होगी और अगर आपने आपका अभी तक आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया वो कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद गाइज यहां पर आप आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि यहां पर मैरिटल स्टेटस क्या है वो बताएंगे, मैरिड या अनमैरिड, रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है,
उसके बाद में जो आपको फ्री एग्जामिनेशन मिलता है एससी एसटी को, क्या आप वो चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या है, तो वो मातृभाषा आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। फिर उसके बाद में किस लैंग्वेज में आप आपका एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है, बर्थ मार्क या कोई भी परमानेंट मार्क, वो आप लिख दें, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आपके कास्ट कैटेगरी की जानकारी देनी है। तो कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका कास्ट का नाम कौन सा है, जो भी है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सेलेक्ट करना है कि इस पोस्ट के अधिकारी ने मेरा सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर तहसीलदार ने किया तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगी और वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो यहाँ पर फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए एससी एसटी को, क्या आप लेना चाहेंगे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, नजदीकी रेलवे स्टेशन, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 500 KB से कम और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए ब्राउज के ऊपर क्लिक करके, एंड देन फिर यहाँ पर आप उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहां पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका एड्रेस क्या है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग जो आपका है प्रेजेंट एड्रेस वो आप यहां पर इस सेक्शन में भर देंगे, फिर आपका विलेज टाउन सिटी क्या चीज है वही आपको यहां पर लिखनी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहां पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक ही है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर यहां पर सेव कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन में आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। फिर एक और सवाल आता है स्क्राइब का, जिसमें कि कहा है कि डू यू नीड स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2। तो बेसिकली है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप फुल्ली विकलांग तो नहीं है और आपको यहां पर एक स्क्राइब यानी कि एक अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए जो कि आपके बिहाफ के ऊपर एग्जाम लिखे, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आप EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है EBC का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एक इंडियन रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है जो कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवेज एम्प्लॉयज नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, अगर आप यहां पर इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर करंटली काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको बताना है। अगर आप नहीं करते, आप अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है, तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी यानी कि जो आपको बाद में फीस रिफंड होगी आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में, उसके संबंध को लेकर के आपको यहां पर आपकी बैंक की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपका बैंक अकाउंट किस नाम पर है। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा बैंक अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है, तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी यहां पर चल जाएगा। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, फिर अकाउंट का नंबर देना है, उसके बाद में यहां पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, IFSC कोड देना है, IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिलेगा या फिर आप गूगल के अंदर जाइए और आपको आपकी बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि आपकी कौन सी ब्रांच है और फिर लिखना है IFSC कोड। तो आप इसको ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डालने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर ले जाएगा। इसके बाद गाइज ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप सेव करेंगे और फिर यहां पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो मैंने यहां पर पहले से अपनी इंफॉर्मेशन भर रखी है 10th वाली जो कि आप देख सकते हैं, तो आप शुरू से भरेंगे, इसलिए आप यहां पर 10th सेलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन के सेक्शन में,
उसके बाद में आपको स्टेट बतानी कि कहाँ से आपने आपकी दसवीं की है, रोल नंबर बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, आपके बोर्ड का नाम आपको देना होगा, डेट ऑफ रिजल्ट या फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट वो आपको बतानी होगी और उसको सेव कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी पोस्ट निकाली है ग्रेजुएट लेवल पर उसमें सभी पर अगर आप ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर ले, सब स्ट्रीम अगर आपका कोई है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दे, जैसे कि अगर आपने बीए की है तो आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश या जो भी जिन भी सब्जेक्ट से आपने की है उन सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर सब स्ट्रीम एप्लीकेबल होता है तो वो आप यहाँ पर दे दी, जैसे कि बीटेक बीए की डिग्री होती है तो उसमें स्ट्रीम होते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। स्टेट आपकी कौन सी जहाँ से आपने की है वो आप बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है कहाँ से आपने की है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, और ये सिलेक्ट करने के बेसिकली सिलेक्ट नहीं आपको खुद से भरनी है। फिर आता है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो कब आपने इसको पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन पूछा कि डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या फिर हिंदी ऑन कंप्यूटर, अगर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी की टाइपिंग आती है तो यस कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है अपलोड वैलिड मेट्रिकुलेशन SSLC सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर गाइज आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका दसवीं का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, ये भी आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो भी आप व्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो एंड जो साइन है वो पहले से अपलोड है क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म भरा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फोटो साइन का नहीं पता कैसे अपलोड करना है तो ध्यान दीजिए साइज 30 से 70 KB के बीच में और बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपको यहाँ पर सैंपल भी दिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा, और बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल भी जाएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रेलवे में फोटो कैसे अपलोड करें, और मैंने भी बनाई है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको वॉच करके आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा ताकि आपसे फोटो को अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आपने फोटो गलत अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छे से आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद ही अपने फोटो साइन को अपलोड करना है। एंड जैसे आप इनको अपलोड कर दे तो फिर आप यहां पर सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगा गाइस यहां पर आपके RRB जिनके लिए आप एलिजिबल है, तो ये सभी RRB के लिए मैं एलिजिबल हूं, जिस जोन के लिए मैं एलिजिबल हूं, जिस जोन RRB से मैंने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहां पर इस तरह से टिक कर देंगे, आप सभी को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। फिर आप यहां पर देखेंगे आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि मैंने अपनी ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से चेक कर लिया है, तो इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। इसके बाद यहां पर आई हैव नॉट अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहां पर टिक करेंगे पैलेस, यानी कि कहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड देन आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी उनको चेक कर लेंगे, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइस जैसे ही आप यहां पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर टिक करना है, और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहां पर आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा करना होगा, और जैसे ही आप फीस जमा करेंगे तब जाकर के आपका फॉर्म यहां पर कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको वेट करना होगा 24 से 48 घंटे का, आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी, नहीं तो दोनों बार की चली जाएगी। अब आप यहां पर पे विद रेजर पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो यहां से आप आपकी फीस जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाए उसके बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो गाइज ये था आपका पूरा प्रोसेस, आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं 12:43 हो रखे हैं और टाइम भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई स्पेशल एफर्ट मैंने किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।